देखो, पिछले जो धरना प्रदर्शन किए थे उसमें हमारे साथ में जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आते थे, हम ही थे। इस बार बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले, हमारे लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद श्री उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब ने इस मुहिम में हमारा सहयोग, साथ और मजबूती से हमारे साथ में खड़े हैं। तो जब जिले का जनप्रतिनिधि, मुखिया जब किसी के साथ में खड़ा हो जाता है जनहित के मुद्दे पर, जनता के साथ में, तो जाहिर तौर पर उस मुद्दे में ऑटोमेटिक जान आ जाती है। और ये मुद्दा आज का नहीं है, 15 साल पुराना है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई मंत्री बने, कई मंत्री चले गए, लेकिन इसके बारे में उन्होंने सही से पैरवी नहीं की। अगर पैरवी करते, हमारी बात को सुनते, तो आज हमें पलायन को मजबूर ना होना पड़ता। गांव के टाके पूरे इस प्रदूषित पानी से दूषित हो गए। हमारे दलित समाज सहित कई ऐसे घर है जो पिछले 1.5-2 महीने से पानी में जलमग्न होकर है, वो रोड पर झोंपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है, और हमारी कई हजारों बीघा जमीन खत्म हो गई। और हमारे हमारा क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ स्पेशल सिंकारा प्रोजेक्ट है, जहाँ 3 से 4 हजार हिरण रहते थे, आज 200-300 के कगार पर आ गए। हमारे यहाँ पर मोर विचरण करते थे, क्योंकि विष्णु वहां पर मूलत निवास करते हैं। लेकिन आज ऐसी नजर पड़ी इन औद्योगिक घरानों की, हमारे पूरे क्षेत्र को बंजर बना दिया। राज्य वृक्ष रोहिड़ा जो बहुतायत में पाया जाता था, आज वो ठूंठ बनकर रह गए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले में हमने इस मुहिम का नाम रखा है मुक्ति संग्राम, दूषित पानी के खिलाफ। चाहे हमारा एरिया और डोली आराबा कल्याणपुर सहित जो पानी आगे बढ़ रहा है सरोड़ी की साइड, अगर समय रहता इसका इलाज नहीं किया, निराकरण नहीं किया, तो ये पानी पसपदरा होते हुए बालोतरा आएगा पुनः। और दूसरी क्षेत्र में हमारे कोटड़ी, अजीत, महेश नगर सहित जो समझड़ी क्षेत्र में जो पानी आता है पाली की इकाइयों का, और तीसरा हमारे बालोतरा के आसपास जेरला तिलवाड़ा सहित जो आसपास का पूरा ये अपने मेवानगर के आसपास का इलाका है, इस इलाके में यही समस्या है दूषित पानी की। और ऊपर का जो हमारा बेल्ट है इधर मंगला प्रोसेसिंग के पास, जो पूरे के पूरे बोरवेल खराब हो गए, ये सभी मुद्दे इसमें शामिल है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है अब हमारे लोगों को इस गंदगी से, इस दूषित पानी से, जो ये पूरी की पूरा पर्यावरण और मानवता खतरे में आई है, जो हमारे हिरण खतरे में आए, जो हमारे मोर खतरे में आए, जो हमारी पूरी वनस्पति खतरे में आई है, इसे इस कुदृष्टि से बचाने के लिए हम 1 तारीख को बड़े लेवल पर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं। संपूर्ण जिले वासियों से निवेदन है, बिना पार्टी, बिना विचारधारा, बिना द्वेष, बिना भाव, बिना किसी लाग लपेट के मानवता और पर्यावरण को बचाने के लिए हम आपसे भावनात्मक अपील करते हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े रहे। हमारे जो साथ में खड़ा होगा, हम उसको ही हमारा नेता मानेंगे, हमारा भगवान मानेंगे, और हमारे लिए कुछ करने वाला मानेंगे। तो हनुमान जी, सुप्रीम थोड़ा दिन पहले डिप्टी सीएम भी आए थे और केंद्रीय मंत्री। देखो, मानवता के नाते, हमारी परंपरा और संस्कृति के नाते हमारा नैतिक धर्म बनता है, जब कोई व्यक्ति हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे, तो एक बार भी उसके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। तो 3 दिन के लिए हमने उनके ऊपर भरोसा किया, और उसका अंजाम ये हुआ कि हमारे ऊपर मुकदमे हुए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऊपर मुकदमे करवाए। मैं तो कहता हूं उनसे, हमारे ऊपर एक नहीं 50-50 मुकदमे कर लीजिए, लेकिन इन गांवों को आजाद कर लीजिए इस पानी से। हमें जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस लीजिए, लेकिन इन गांवों को इस दूषित पानी से, जो फैक्ट्रियों का आ रहा है उससे आजाद कर लीजिए। हमारी दूसरी तीसरी इनसे कोई मांग नहीं थी। जब डिप्टी सीएम से बात हो रही थी, तब वहां के स्थानीय विधायक जी को पैरवी कर बड़ा दिल रखकर ये बताना था कि भाई यहाँ के लोग तकलीफ में हैं, और हमारा आप सहयोग कीजिए, कोई विशेष पैकेज बनाकर इन गांव वालों की मदद कीजिए। एमपी साहब आए, वहां पूरा का पूरा निरीक्षण किया, ग्रामीणों से मिले, तो हम हमारे पूरे वहां के एरिया के लोगों ने इनकी वाहवाही की कि कम से कम हमारे बीच में आकर हमारी बात। तो वो भी रहे ना, विधायक भी घूम रहे हैं वहां से जाके आए। भाई 1.5 महीने तक जब तकलीफ में थे तब तो घूमे नहीं, उसके बाद घूम रहे। मैं तो कह रहा हूँ 1 तारीख को मुक्ति संग्राम का आंदोलन है, स्वागत है, आप भी आइए, और आपकी सरकार को सताने के लिए धरने पर बैठिए, हमारे साथ में हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, स्वागत है उनका भी। दृष्ट भाव मत रखिए, कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पार्टी विचारधारा और कई बातें साइड में रखनी पड़ती है, एक मानवता के नाते साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो हमारा नैतिक दायित्व तो है इस मामले में, कोई किंतु परंतु संकोच नहीं होना चाहिए।
हमारी हमारी एक ही मंशा थी, हम तो बड़े सभ्य तरीके से बात कर रहे थे और पूरी महिलाएं खड़ी थी, गांव के खड़े थे, हम बात कर रहे थे उस दौरान, उनको सही जानकारी देनी थी। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है, सब स्थितियां कंट्रोल में। स्थितियां कंट्रोल में कैसे होती बताओ, जब डेढ़ डेढ़ महीने से घरों के अंदर पानी पड़ा हो, जिनके सुल्ले नहीं जगे हो, वो स्थितियां कंट्रोल में होगी? पांच पांच गांव तकलीफ में, 12-13 रेवेन्यू विलेज तकलीफ में, और उसके बाद भी उनको स्थितियां सामान्य लगती है। तब हम लोगों ने उनको कहा कि विधायक जी, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया, हमने विधायक जी जो सही सम्मानित शब्द होता है, शब्द का प्रयोग करते हुए उनको बताया। आपने कहा था कि आपके दिमाग में कोई भूल हो तो निकाल ले। बिल्कुल कहना पड़ेगा, जब जनहित के मुद्दा होगा, जनहित की बात होगी, तो दिमाग में गलत फितूर होगा, तो उसके बारे में उनके बात की कोई गलत नहीं कहा। मैं मेरी मांग के लिए नहीं खड़ा था, या उम्मेदा राम जी जो हमारे सांसद है, कोई अपनी मांग नहीं रख रहे, मांग रख रहे जनहित की। जब जनहित और पूरा पर्यावरण और मानवता तकलीफ में, तब उनको सही बात बतानी चाहिए थी। हमारी उनसे मांग है, आप आइए 1 तारीख को हमारा जो आंदोलन है उसमें हमारा सहयोग कीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए। हनुमान बेनीवाल जी से कोई बात हुई है? बिल्कुल, सबसे बात हुई है। नेताजी ने आदेश दिया है कि मजबूती से आप जनहित के मुद्दे पर लड़े और जनहित जनता के साथ में खड़े रहिए। तो आएंगे हनुमान जी, आएंगे? बिल्कुल, सभी को नियतो दिया है, जो आएंगे उनका स्वागत है। मैंने तो कहा सत्ता पक्ष के विधायक है, उनका भी स्वागत है, आप हमारे साथ में आइए। हमने तो यही कहा है, ये मुद्दा जो है वो बिना पार्टी विचारधारा का जनहित का मुद्दा है, इसमें सभी साथ खड़े रहे। हमारे जिले के मुखिया है, हमारे उम्मेदवार राम जी खड़े हैं, और तो सभी से निवेदन है कि जो चाहता है इस मुद्दे में भाग लेना, यहाँ कोई पार्टी का मंच नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग कीजिए।